नगर निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र तोमर जी इस वक्त हमारे साथ है। क्या तैयारी नगर निकाय चुनाव को लेकर चल रही है, इनसे बात करते हैं। सर, क्या तैयारी है नगर निकाय चुनाव को लेकर? देखो, हमारी तैयारियां संगठन के द्वारा पूर्णतः तैयारी हैं। चुनाव की घोषणा कल होती है, हम कल तैयार हैं। 2 दिन बाद होगी, 2 दिन बाद के लिए तैयार हैं। और संगठन पूरी तरह से हर निकाय पर काम कर रहा है। बूथ स्तर तक, वार्ड स्तर तक हमने कार्यकर्ता एक मैनेजमेंट बना के पूरी तरह से तैयार किए हैं। वो सब अपना अपना काम कर रहे हैं। जहाँ वोट बननी थी वोट बनवाई है, गलत वोट थी गलत वोट कटवाई भी है। अच्छा, क्या मान कर चल रहे हैं, कैसा विकास आपको चाहिए? क्योंकि लगातार जो है बीजेपी में तीनों विधानसभा पर कोई भी विधायक नहीं है आपका, बीजेपी का। उसके बाद क्या रणनीति है, क्योंकि जो विधानसभा चुनाव है खतौली में भी हार का सामना करना पड़ा है बीजेपी को। देखिए, कहीं ना कहीं अब खतौली विधानसभा के चुनाव की बात करें तो उससे हमारे जनपद का कोई चुनाव से संबंध नहीं है। निकाय चुनाव से, निकाय चुनाव एक स्थानीय चुनाव है। और जो विधानसभा का चुनाव है उसमें बहुत मुद्दे हैं, वो उन मुद्दों पर लड़ेगा। लेकिन हम जो स्थानीय निकाय के चुनाव लड़ेंगे वो भी सरकार के, केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को लेकर के लड़ेंगे चुनाव। जो हमने नगर निकायों में विकास किया, उन विकास के मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ेंगे। प्रत्याशी हर जगह अच्छे उतारेंगे। जहाँ जहाँ हमारे निकाय में जो जो दावेदार हैं, उन दावेदारों से हमें छटनी करके हर जगह दावेदार अच्छा देंगे। जहाँ दावेदार नहीं है वहाँ के लिए कुछ कह नहीं सकते। और वार्डों तक हम चुनाव लड़ाने का फैसला हमारे पार्टी संगठन ने, प्रदेश स्तर ने किया है। अच्छा, लगभग पूरे ज़िले में 173 वार्ड हैं, तो कैसे अपने कैंडिडेट वहाँ पर उतारना चाहेंगे और क्या रणनीति बनाकर उनको उतारेंगे? देखो, 173 वार्ड पूरे जनपद में हैं। उसमें हमारी 3 नगर पालिकाएँ हैं। जहाँ जहाँ जिस वार्ड से जो कार्यकर्ता टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं, वहाँ जो भी अच्छा कार्यकर्ता होगा उसे हम जो है वार्ड से चुनाव लड़ाएंगे। और जो दावेदारी निकाय के अध्यक्ष के लिए है, नगर पालिका का अध्यक्ष हो चाहे नगर पंचायत का अध्यक्ष हो, उसके लिए भी हमारा यही मानक रहेगा कि हम अच्छा साफ सुथरी छवि का कार्यकर्ता मैदान में उतारें, जो सबको भाए और सबको साथ लेकर के चले। क्योंकि पार्टी का ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। अच्छा, नगर निकाय चेयरमैन के जो यहाँ पर चुनाव होने हैं उसको लेकर के देखा जा रहा है कि दो कैंडिडेट सामने आ रहे हैं निकल के, उसमें से कौन सा कैंडिडेट बेहतर होगा? देखो, हमारे यहाँ 2 कैंडिडेट हैं। वैसे कैंडिडेट सबके सामने 2 ही हैं, लेकिन जो हमारे पास सबके बायोडाटा यहाँ है, कम से कम शामली में 6 से 7 बायोडाटा है। और आरक्षण होने से 2 उनमें से कम हुए हैं, लेकिन अभी भी 5 लोग दावेदारी कर रहे हैं। और सभी कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि आप जिसे भी लड़ाओ, हम सब पार्टी के साथ हैं। ऐसा हमने जो सर्वे किया और लोगों ने भी करा, सबका यही कहना है कि अच्छा कैंडिडेट आप जो भी दोगे, हम सब पार्टी के नाम पे से चुनाव लड़ाएंगे। अच्छा, बताया जाता है कि बीजेपी में फूट का कारण भी है, फूट बहुत ज़्यादा है। अपने जनपद में ऐसा कोई निकाय नहीं जहाँ फूट हो, लेकिन यह है कि पार्टी में कार्यकर्ता हर निकाय में बहुत ज़्यादा हैं। सबकी अपेक्षा है कि मुझे सिंबल मिले, मैं चेयरमैन बनूं। लेकिन सबकी अपेक्षा ये भी है कि जिसको सिंबल मिलेगा, हम सब एक साथ रहकर चुनाव लड़ाएंगे। अच्छा, सपा रालोद का गठबंधन अपना प्रत्याशी उतारेगी नगर निकाय चुनाव में, तो उसको कैसे टारगेट किया जाएगा जीत के लिए? देखिए, हम तो अपना जो केंद्र ने और प्रदेश सरकार ने जो विकास के काम किए उस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। हम कोई सपा का और लोकदल का कोई उनके मुद्दों पे हमें कोई मतलब नहीं है। उनके क्या मुद्दे हैं, हमारा तो केवल विकास कार्य मुद्दा है। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में सारा संगठन काम कर रहा है। हम सब उनके नाम पर ही वोट मांगेंगे। उन पार्टी ने जो विकास किया, सरकार ने जो विकास किया, उसके नाम पर वोट मांगेंगे। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र तोमर जी, जिनका कहना है कि पार्टी ने विकास कार्य किए हैं और जो भी कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का होगा सब एक साथ मिलकर कार्य करेंगे और जिताने का प्रयास करेंगे। शामली से पंकज प्रजापति, एबीपी गंगा, शामली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।